हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपिका। जैस फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ आलू के चिप्स बनाने का तरीका। तो देखिए, कभी हमारे चिप्स काले पड़ जाते हैं तो कभी ज़्यादा पक जाते हैं, तो वो पकने की वजह से टूट जाते हैं, तो कभी ये हमारे चिप्स फूलते ही नहीं हैं। तो आप लोगों के लिए आज मैं खास रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो इसके बिल्कुल भी मत कीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं। एकदम फूले फूले और एकदम सफ़ेद चिप्स बनाएंगे। तो हमने लिए हैं इधर पर 1 किलो आलू। तो हमने बड़े साइज के आलू लिए हैं जिनसे हम चिप्स बनाते हैं, तो हमें बड़े ही साइज के आलू का यूज करना है। इससे हमारे चिप्स बड़े भी बनेंगे और हमें इन्हें कट करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो हम इन आलुओं को छील लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि आलू को हमें छीलने के तुरंत बाद ही हमें ऐसे ही नहीं रखना है, हमें से पानी से भरे हुए बर्तन में इन्हें रखना है ताकि ये काले ना पड़े। तो देखिए, हम छील करके, हमने एक भगोना लिया है इधर पे बगल में, तो हम इसमें ही पानी रखा हुआ है मैंने, इसमें हम डालते जाएंगे छील करके। तो हम सभी आलू को इसी तरीके से छीलेंगे और पानी से भरे हुए बर्तन में इन्हें रखते जाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। देख लीजिए, हम छील लेते हैं सारे आलूओं को। तो हमने छील लिया है और इन्हें हमने डाल दिया था पानी में। तब हम क्या करेंगे कि हमें एक लेना है बर्तन, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम इसे कट करेंगे आलूओं को। तो हम चिप्स बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं। तो हमने इसे मीडियम ही रखा है, ना ही ज़्यादा पतला ना ही मोटा रखा है हमने। तो इस तरीके से हम इसे कट कर लेते हैं। और हमें ख़ास ध्यान रखना है कि हमें इन्हें पानी में ही डुबा करके रखना है। तो ये देखिए इस तरीके से, तो इससे होगा क्या कि ये काले नहीं पड़ेंगे। तो इसी तरीके से हम सारे आलूओं के चिप्स बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे आलूओं के चिप्स काट लिए हैं। तो अब हमने अच्छे से धोएंगे, इसका जो भी स्टार्च है सारा का सारा हमें निकालना है। तो हमें इसे कम से कम 4 से 5 पानी में अच्छी तरह से इसे वॉश करना है। तो हमें इसे हल्के हाथों से ही वॉश करना है ताकि ये टूट ना जाए आलू। तो हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। तो हमें इन्हें तब तक साफ करना है तब तक इसका जो पानी है एकदम क्लीन ना हो जाए। तो ये देखिए, हमने 4 से 5 पानी में धो लिया है और इसका जो पानी है ये देखिए इस तरीके से हम उठा रहे हैं, तो एकदम क्लीन है इसका पानी। इसका मतलब है कि हमारे आलू एकदम अच्छे से साफ हो चुके हैं। तो चलिए, हम इन्हें डूबे रहने देते हैं पानी में। और हमने एक चढ़ा दिया है भगोना, उसमें हमने पानी डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें नमक। तो हमने इधर पर ना ही बेकिंग सोडा ना ही बेकिंग पाउडर, हमने किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ ये नमक डाला है। तो हमने ये सेंधा नमक का यूज किया है क्योंकि हम इसे व्रत में भी खा सकते हैं, इसलिए अगर आप सादा नमक डालना चाहते हैं तो सादा नमक डालिए। तो ये देखिए, पानी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने जो चिप्स काट करके रखे हैं उन्हें हम डाल देते हैं। तो जितने हम एक बार में आएंगे भगोने में उतने ही हमें डालना है। और हाँ, हमें एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि आलूओं को हम जब पकाएंगे तो हमें 1 से 2 बार इन्हें तलों से चलाते हुए 1-2 बार चलाना है क्योंकि ये तले में बैठ ना जाए। तो ये देखिए, हम इसे चेक कर लेते हैं तो अच्छे से इनमें उबाल आने लग गया है। तो इस तरीके से हम चला लेंगे 1 से 2 बार और आलूओं को चेक कर लेंगे 5 से 7 मिनट में। तो हमें आलूओं को चेक कैसे करना है, हमें क्या करना है, आलूओं में इस तरीके से नाखून को लगाना है। अगर नाखून हमारे आसानी से चिप्स में
आलू में लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे आलू जो हैं पक चुके हैं। आप चाहे तो इस तरीके से एक आलू लीजिए और इसे फाड़ करके भी देख सकते हैं। तो आसानी से नाखून घुस रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे चिप्स जो हैं पक चुके हैं। तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो हमें सावधानी से ही निकालना है, हल्के हाथों से, ताकि चिप्स ना टूटें। तो हम इसका जो पानी है वो सब अलग कर देंगे, अच्छे से स्ट्रेनर में हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से अगर आप चिप्स बनाएंगे तो एकदम बेहतरीन बन करके तैयार होंगे। आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप लोग इस तरीके से चिप्स बनाएंगे। तो चलिए, हमने स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब हमने बिछाया है घर पे एक कपड़ा, आप पॉलीथीन भी ले सकते हैं, और इस तरीके से हमें एक एक करके इन्हें फैलाना है। तो हमें इन्हें एक एक करके इस तरीके से ही फैलाना है ताकि एक दूसरे से ये जो चिप्स हैं वो चिपक ना जाएं। तो ये देख लीजिए, हमने इस तरीके से अलग करना है। और हाँ, मैंने इन्हें धूप में नहीं सुखाया है और आप लोग भी मत सुखाइए। तो हमें इन्हें छाया में 2 दिन सुखाना है पंखे की हवा में। तो मैंने इधर पे रूम टेम्परेचर पे पंखा चालू करके इसे अच्छे से सुखाया है 2 दिन, और उसके बाद मैंने इधर पे 1 दिन धूप लगाई है। तो इस तरीके से हमने सारे चिप्स फैला लिए थे। उसके बाद हमने इसे 2 दिन पंखे की हवा में सुखाए हैं, और फिर लास्ट में 1 दिन हमने इसे धूप में सुखाया था। तो ये देखिए, बढ़िया से हमारे जो चिप्स हैं वो अच्छे से सूख चुके हैं और काले भी नहीं पड़े हैं। आलू पीले थे इसलिए ये थोड़ा सा कलर इनका पीला है, क्योंकि आलू पीले थे तो चिप्स भी पीले ही बनेंगे। तो आप जिस तरीके से आलू लेंगे उसी हिसाब से आपके चिप्स भी बनेंगे। तो चलिए, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमने तेल गरम कर लिया है। तब हम डालते हैं इसमें थोड़े थोड़े से चिप्स। तो ये देखिए कितने बढ़िया से फूल गए हैं। हमने इनमें बिना सोडा, बिना बेकिंग पाउडर, किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ नमक का यूज किया है। तो ये देख लीजिए, बढ़िया से हमारे चिप्स फूल रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से चिप्स बना करके स्टोर कीजिए और व्रत में भी खाइए इन्हें। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम इन्हें निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो इन्हें हमने कर लिया है एक प्लेट में सर्व। और अगर आप व्रत में खा रहे हैं तो सिर्फ आप इसमें डालिए काली मिर्च और सेंधा नमक, थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से छिड़क लीजिए और इन्हें खा लीजिए। और अगर आप बिना व्रत के खा रहे हैं तो इन्हें आप चाट मसाला डालिए, या आपको जो भी मसाले पसंद है उन्हें डाल करके सर्व कर लीजिए और इन्हें एंजॉय कीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।